बंदर की जादुई पूंछ। एक समय की बात है, एक गांव में हरी नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता हीरालाल बहुत ज्यादा लालची थे। हरी ने एक दिन अपने पिता से बिना पूछे शादी कर ली। लड़की को घर तक ले आया। हीरालाल को पता चला कि लड़की के माता पिता बहुत अमीर हैं। इस बात पर हीरालाल बहुत गुस्सा भी हुआ और लड़की से 2 महीने में 1,00,000 रुपए लाने के लिए कह दिया। पिताजी, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? लड़की ने बहुत गुजारिश की, मगर हीरालाल उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन हीरालाल की बहू ने उसके बेटे को सारी बात बताई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हरी की बात मानकर उसकी पत्नी न मन लगाने की कोशिश करती है। वहाँ उसका ससुर हीरालाल उसे बार बार ताने मारता है कि वो जाकर अपने पिता से 2,00,000 रुपए लेकर आए। 2 महीने यूं ही बीत जाते हैं। हरी की पत्नी पैसे ना ला पाई। इस बात पर नाराज होकर हीरालाल ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी जंगल के पास एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत को बेहोश पाकर हरी की पत्नी उसकी मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। माँ जी, आप खाना खा लें, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। अरे बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुमने तो मेरी जान बचाई है। बता, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए माताजी। अरे ऐसे कैसे, जादू जानती हूँ मैं। ये ले, एक तोहफा तेरे लिए। बंदर? हाँ, ये बंदर है। ये ऐसा वैसा बंदर नहीं, इसकी पूंछ सोने की है। और हाँ, रोज सोने की बन जाएगी, शाम को उसे काट लिया करना। जितना पैसा चाहो उस सोने को बेचकर पा सकते हो बेटा। जैसे ही बुढ़िया की तबीयत सही होती है, वो फिर से जंगल की तरफ लौट जाती है। हरी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो प्यारा सा बंदर हर रोज उन्हें लंबी सी पूंछ देता। वो उसे काटते और शहर जाकर उसे बेच दिया करते। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गए थे। इस बात का पता जब हरी के पिता को चला तो उनके घर तक पहुंच गए। हरी और उसकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई। अब हरी के पिता दोनों को मनाकर अपने घर ले जाना चाहते थे, मगर हरी नहीं माना। उसकी पत्नी ने कहा, पिताजी, अब हम यहाँ बस चुके हैं, हमारा यहाँ दिल लग चुका है, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। गुस्से में आकर हीरा लाल वहाँ से चला जाता है और रात में आकर बंदर को चुरा लेता है। मगर वो ये नहीं जानता था कि अगर किसी ने बंदर को चुराया तो वो गधे के रूप में बदल जाएगा। अगले दिन हरी और उसकी पत्नी बंदर को ढूंढते ढूंढते अपने पिता के घर पहुंचते हैं। वहां वो बुढ़िया को पाते हैं। हीरालाल देख रहा था, उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। बंदर वापस बुढ़िया के साथ चला जाता है और हीरालाल फिर से इंसान के रूप में आता है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। सुखीला लाला की दुकान बाजार के एकदम बीचों बीच थी। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक हलवाई नई दुकान खोलता है। उसके यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर बड़े बड़े मजेदार समोसे बनते, जलेबी बनती, लड्डू, रसगुल्ले और बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती और पूरी खुशबू लाला जी की दुकान तक आती। यह बात देखकर लाला जी के मुंह में हमेशा पानी आता रहता और लाला जी जाकर वहाँ पर खूब मजे से लड्डू, समोसे, कचौरी और जलेबियाँ खाते। मजा आ गया भाई, तुमने यहाँ दुकान खोलकर बड़ा अच्छा काम किया। अब तो घर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरी बीवी तो कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। अरे तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले भाई क्या बताऊं, सबसे अच्छे हैं। और हाँ, कल इमरती जरूर बनाना, बहुत दिन हुए मैंने खाए नहीं। बिल्कुल लाला जी, कल जरूर बन जाएगी इमरती आपके लिए। अब लाला जी के खूब मजे आते,
लाला जी अपनी दुकान पर ही लजीज खाने के व्यंजन मंगाते रहते और खाते रहते। जो भी ग्राहक आता वो हैरान हो जाता यह देखकर कि लाला जी हर समय बस खाते ही रहते हैं। लाला जी की पत्नी उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि लगातार लाला जी का वजन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उसने कहा, अजी सुनते हो, तुम्हारा ये वजन कैसे बढ़ रहा है? मैं तो तुम्हारे खाने पीने का काफी ख्याल रखती हूँ। खाने में तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती, बस कुछ बूंदे डालती हूँ ताकि तुम्हारा वजन ना बढ़े। लेकिन तुम्हारा वजन तो लगातार बढ़ रहा है, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो जो दुकान पर भेजती हूँ? अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वो सारा खाना खाता हूँ जो तुम भेजती हो। कैसी बातें कर रही हो? लाला जी जो भी खाना उनकी पत्नी भेजती थी उसे नौकरों को खिला दिया करते थे। कौन खाए ये रूखा सूखा, मैं तो जलेबी इमरती खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी चुपके से उनकी दुकान के पास आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाला जी लगातार सामने के हलवाई से सामान मंगवा कर खाते ही जा रहे हैं। अब लाला जी की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई कि इसी कारण लाला जी का वजन लगातार बढ़ रहा है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन लाला जी को रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है और वो कहता है, अरे लाला जी, आपका वजन तो लगातार बढ़ रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं। लगता है आप खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और मैंने आपको कई दफा दुकान पर इमरती चाट वगैरह खाते देखा है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। संयम से खाना भी इंसान का कर्तव्य है, नहीं तो बहुत जल्द आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ आप जुग जुग जिए, इसीलिए समझा रहा हूँ। लाला जी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और अपनी दुकान के सामने शीशे के दरवाजे लगाए ताकि हलवाई के यहाँ जो भी पके उसकी खुशबू उनकी दुकान तक न आए, नहीं तो उनका मन ललचा जाता था। धौलपुर गांव में फेंकू नाम का एक गधा रहता था। वो बहुत ही बेवकूफ था, लेकिन उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जो भी उसे कोई काम कहता वो उसे किया करता था, और उसके काम के बदले लोग उसे खाने को दिया करते थे। एक दिन फेंकू जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। फेंकू झट नदी में कूद पड़ा और उसने डूबने वाले को बचा लिया। पानी में डूबने से जिसे उसने बचाया था वो कोई आम आदमी नहीं, एक बहुत पहुँचे साधु थे। साधु महाराज ने फेंकू का धन्यवाद किया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम गधे हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, जिस भी चीज़ को तुम चाहोगे उसे तुम पा सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना और प्रकृति से कभी छेड़छाड़ भी मत करना। जी साधु जी महाराज। साधु महाराज के आशीर्वाद से फेंकू में अजीब सी ताकत आ गई। अब वो जहाँ चाहे जा सकता था और जो मर्जी चाहे चीज हासिल कर सकता था। अब वो अपनी मनमर्जी करने लगा। अरे वाह, मजा आ गया, अब तो बिना काम किए ही जो मर्जी मैं खा सकता हूँ। अपनी जादुई ताकतों की वजह से फेंकू को बहुत घमंड आ गया था। अब जो कोई भी उसे काम करने के लिए कहता तो फेंकू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता। गाँव के सभी लोग उसे नाराज हो गए। एक बार सर्दियों में बादल होने के कारण 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। तभी फेंकू ने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, अरे भैया, 4 दिन हो गए धूप नहीं निकल रही। हाँ हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, ठीक कहते हो। सूरज के महत्व के बारे में सोचकर फेंकू ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सूरज पर ही काबू पा लूं, ये सब लोग मेरे पीछे भागेंगे। और अगले दिन फेंकू ने अपनी जादुई ताकतों से अपने ऊपर पंख लगा लिए और चल पड़ा सूरज पर कब्जा करने। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सूरज की गर्मी के आगे भी भला को टिक पाया है क्या। सूरज के नजदीक पहुंचते ही उसके पंख जल गए, उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसे बहुत चोट लगी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे। अरे क्या हुआ फेंकू जी महाराज,
उड़ने चले थे, नीचे गिर गए। लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों को उस पर तरस आया और वे उसे वहां से उठाकर उसके घर ले गए और उसका इलाज किया, उसे खाने को दिया। कुछ ही दिनों में फेंकू फिर से ठीक हो गया। लेकिन उसकी सारी जादुई शक्तियां जाती रहीं। अब उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो चुका था। आहो, ये मैंने क्या किया? साधु बाबा की बात मानी होती तो आज ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। उसने फिर से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और लोग भी उसे वैसे ही प्यार करने लगे।